So starting with day 5 of remedial classes, and today we are going to discuss addition and subtraction of fractions. Topic hai addition subtraction of fraction. Dono mein koi itni mushkil cheez nahi hai. Sabse pehla ke when we have same denominators, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी हो जाती है. अगर जैसे लिखा है 1/2 प्लस 5/2 लिखा हुआ, तो इन दोनों को अगर ऐड करना है जी क्या करेंगे, इनको कैसे ऐड करेंगे भाई? सिंपल सा तरीका क्या है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, देखो इसकी जो लॉजिक है ना वो यही है कि हम कोई सी भी फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो फिर क्या तरीका है वो मैं बात करता हूँ. पहले इसका तरीका ये होता है कि मैं एक दफा डिनोमिनेटर लिख दूंगा और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर दूंगा. कुछ बच्चों के जहन में ये होता है कि हम ऊपर वाले में ऐड कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले में ऐड कर दें, यानी 1+5 6 कर दूं और नीचे 2+2 4 कर दूं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो ऐसा कभी भी नहीं हो, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखना होता है इन दिस केस, और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रही है वो कर, ठीक है? तो बेटा हमारे पास क्या आया आंसर, 6/2. और 6/2 को कैंसिलेट फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या आएगा आंसर 3/1 या फिर सिर्फ 3 भी लिखा जा सकता है ना जी बेटा. इसके बाद अगर इसी तरह 3/5 हो -6/5 जी भाई, क्या करेंगे? एक दफ़ा 5 लिखा बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम, आपने वो एक दफ़ा रिपीट मतलब नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर साइड पे, और ऊपर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है वैसे ही लिख दिया. तो 3-6 जी भाई, तो 3-6 का आंसर क्या आता है ज़रा मैं बताए, -3 होगा बच्चे. तो -3 ऊपर आ गया और अपॉन में 5 वैसे ही रहा, यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो -3/5 ही हमारा आंसर हो गया. समझ आ गई बात? तो सेम डिनोमिनेटर्स का ये केस था बेटे. अब डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो तो दो ऑप्शन है बेटे, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में दो ऑप्शन हैं. और जितने भी ऑप्शन हो सबको एक ही रूल में सॉल्व किया जा सकता है. एक तो वो है जो टेबल में आ जाए, दो डिनोमिनेटर हैं मगर वो दोनों एक ही टेबल में आ रहे हो, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट लॉजिक लगेगी. डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, बट आप इसको इस तरीके से कर लो कि वो डिनोमिनेटर्स क्या हैं, कम्स या लाई इन द सेम टेबल, ठीक है? और फिर अब इसमें ये ऑपोजिट हो गया, यानी इसी का नेगेटिव कर दें कि जो सेम टेबल में नहीं आते. अब तरीके का बेसिक तो दोनों का सेम है, हम क्या करते हैं अगर डिफरेंट आ रहे हैं ना, जैसे 1/2 है और 3/4 डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट नजर आ रहा है आपको, मगर
ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स जो हैं इनकी खासियत क्या है कि ये जो दो डिनोमिनेटर्स हैं टू और फोर, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए, या फिर अगर अलग अलग हो, जैसे मैंने कहा ना कि एक टेबल में ना भी आ रहे हो, जैसे 1/2 + 3/5, इन दोनों को करने में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, तरीकेकार दोनों का सेम है। और वो क्या है कि हम 2 और 5 के एक सेम टेबल में आते हैं बेटा, नहीं आते ना। आप क्या करोगे, आप जब भी डिफरेंट आपके डिनोमिनेटर्स हों, आप दोनों केसेस में क्या करोगे, एलसीएम लोगे बेटा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे। एलसीएम लेना आता है डिनोमिनेटर्स का, भाई एलसीएम क्या है, 2 और 4, इन दोनों का एलसीएम लो। शॉर्टेस्ट मेथड यही है ना एलसीएम लेने का, मैजिकल मेथड होता है ये, अप्लाई करो क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम, 2 1 2, फिर 2 आ गया, और फिर सो 2 2 4, 4 इज द एलसीएम। जो एलसीएम आया ना बेटा, क्या करो कि इसके अंदर मैं पहले आपको एक स्टेप ऐड कर देता हूँ कि पहला स्टेप ये करो कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को देखो क्या वो 4 हैं, नहीं है, जिसका 4 है उसको तो वैसे ही छोड़ दो, और जिसका डिनोमिनेटर 4 नहीं है उसको 4 बनाने के लिए किसी टेबल से मल्टीप्लाई करें और दोनों को करें, यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर के भी। तो पहले ये बताओ, इस 2 को एलसीएम बनाने के लिए, इस 2 को एलसीएम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2 को एलसीएम के बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई सिर्फ 2 से नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर को नहीं करेंगे, जबकि न्यूमरेटर को भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये बात याद रखिएगा कि अब जो मेरी नई फ्रैक्शन बनेगी वो बन जाएगी 2/4, अब इसके बराबर वाली फ्रैक्शन 3/4 है। अब इस केस में मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के सेम हो गए, एंड नाउ वी कैन फॉलो द स्टेप जो कि हमने इससे पहले सीखा कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास आंसर आ गया 5/4, या फिर इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 1/4 आ जाएगा, है ना। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मैंने खुद से 1/2 को 2/4 लिख दिया, टेस्ट किया जैसे मैथमेटिकली, कोई मुझसे गलती तो नहीं हुई होगी, कोई चेंजेस तो नहीं आया, 1/2 और 2/4 क्या ये दोनों सेम है, तो मैं खुद से 1/2 और 2/4 में चेंज क्यों कर रहा हूँ। बच्चे ये सेम है क्यों, 1/2 और अगर देखा जाए 2/4 लिखा है, ये दोनों बराबर हैं, कैसे, 2 1s are 2 2s are, 1/2 ही नहीं आ जाएगा ये, जब मैं 2 से कैंसिलेशन करूँगा, ये नहीं, जिस टेबल से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना बेटे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था, उसी सेम नंबर से मैं डिवाइड करूँगा, वापसी वही बन जाएगा। और इनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं, बट दीज आर इक्वल, इनकी वैल्यू सेम होती है, समझ आ रही है बात बेटा। ये बात इसमें जो है ना वो बस इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि हमने मल्टीप्लाई किया तो उससे कोई चेंज नहीं आया वैल्यू, ठीक है, सबको समझ आ गई ये बात। अब बेटा इसमें नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, जिसमें अब इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर 2 और 5 है। अब 2 और 5 देखते ही पता लग रहा है कि ये किसी सेम टेबल में नहीं आते। अगर ऐसा हो ना, आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं हो, ले लो, अच्छी बात है, आपके
लेकिन अगर ऐसा केस हो कि 2 और 5 बिल्कुल पता है कि किसी भी टेबल में उनके कोई भी कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं? फिर हम एलसीएम ले लो, ठीक है, नहीं ले रहे तो इसका तरीका क्या है कि आप एलसीएम निकालोगे ना तो भी आपके पास क्या आएगा भाई? 2 से करोगे 1 और फिर 5 से करोगे फिर 1 आएगा, तो 2 5 10 आएगा ना। एलसीएम जब कोई दो ऐसे नंबर हो उनका कॉमन फैक्टर हो ही ना दिन, उसके अंदर आपका एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो जाता है, एलसीएम उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाता है। तो आप इसमें ट्रिक क्या यूज़ करते हो कि आप डायरेक्टली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो क्या आया? एलसीएम आ गया 10। अब 10 एलसीएम बन गया ना, तो आपने इसके अपॉन में भी 10 बनाना है, तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 5, और इसको 10 बनाने के लिए 2 और इसको भी 2। तो हमारे पास 10 अपॉन ये 5 अपॉन 10 बन जाएगी पहली वैल्यू, और दूसरी बन जाएगी 6 अपॉन 10। ये बात समझ आ रही है या मुश्किल लग रही है बेटा? ये समझ आ रही है? पूछे भाई तरीके का। चलो अगर आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ना, इसी तरह याद कर लो इस चीज़ को कि एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया था? 10 आया था। अब बताइए 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करेंगे ना बेटे, तो 5 आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो ये बन गई पहली फ्रैक्शन 5 अपॉन 10, और दूसरी बन गई, जब इसको 5 को 10 बनाने के लिए 2 से करेंगे तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 6 आया, और नीचे 10 आ गया, ठीक है? अब इनको सॉल्व करना है तो क्या होगा, 10 एक दफ़ा लिखेंगे और 5 और 6 ऐड हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 11 अपॉन 10। या फिर वो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा बेटे? 1 होल नंबर 1 अपॉन 10। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम बात करेंगे कि जब ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं एक साथ करने के लिए, भाई कोई भी ऑपरेशन जब एक साथ अप्लाई करने के लिए आ जाए तो हमेशा हमें फॉर्मा सताया करता है। जैसे अगर सवाल आ जाए 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ब्रैकेट लगाओ प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 2, इसे सॉल्व कैसे सॉल्व करेंगे इसे जरा बताइए, क्या इसमें स्टेप सॉल्व जरा ऐसे पहले खुद अटेम्प्ट करें सर। जी बेटा रिमेंबर, आपको इसको सॉल्व करने में जो सीक्वेंस होगा वो किसका होगा? बॉड मास। ठीक है, क्योंकि जब एक साथ ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए आ जाए तो पहले क्या लगता है? बॉड मास। बॉड मास का मतलब क्या है? बीओ मतलब ब्रैकेट हो गए, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो भाई बताओ ब्रैकेट ओपन का मतलब है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, सबसे पहले स्टेप में ब्रैकेट को सॉल्व करो। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करूँ भी तो बेटा ये 3 अपॉन 1 है या नहीं? अब अगर ये 3 अपॉन 1 है, मुझे ये बताइए, मैंने आपको क्या रूल बताया था मल्टीप्लिकेशन का कि
क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट ओपन आता है ना, तो ब्रैकेट ओपन करना है, इसका मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो बेटा ब्रैकेट का रूल क्या था कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आमने सामने वाले मल्टीप्लाई होते हैं और क्रॉस में डिवाइड होते हैं, डिवीजन से कुछ कैंसिल तो हो गया, तो क्या करेंगे, 1 3 3 और 2 1 2। तो पहले ये फ्रैक्शन बनाई जो बच्चों ने मुझे दिखाया था, उन्होंने इस फ्रैक्शन को गलत बनाया, तो 3/2 आ गया, सिंगल हो गई। अब ब्रैकेट ओपन कर सकते, ब्रैकेट ओपन करने के बाद बेटे ये क्या आया, बाकी चीज़ें मैंने वैसे ही रिपीट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है ना, वो आप इस तरह से कर सकते हो, उसके दो ऑप्शन है, चाहो आप एक साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन को डिलीट कर दो, यानी प्लस माइनस का साइन है, आप पहले क्या करो 2 5 और 2, इन तीनों का क्या करो, एलसीएम दो, और वो क्या आएगा, 10। अब ये बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कि ये 5 से करेंगे, एक ही स्टेप में मैंने क्या किया, 10 लिखा एज एन एलसीएम, और ये 3 5 15 ये ऊपर लिख दिया इसने, एक स्टेप बीच में से मैंने जरा कम किया, मैंने अलग अलग फ्रैक्शन नहीं लिख रहा एक साथ। फिर 5 को एलसीएम के बराबर बनाने के लिए, इसका एलसीएम 10 ही आ गया ना, ये तो कंफर्म है आप लोगों को, 2 5 और 2 का एलसीएम, उसमें कोई परेशानी तो नहीं है। तो बेटा ये बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। सो 5 2 10 होता है, तो 4 2 कितना आ गया, 8। और तीसरा ये भी 2 है, तो 2 को 5 से करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का। अब ये करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई डिवीजन तो खत्म हो चुका है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बारी है। अब 15 और 8, इन दोनों का साइन सेम है, तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव है ना, तो मैंने क्या बताया था, ये जो एडिशन वाला स्टेप है, ये क्या होता है कि सेम साइंस को आप ऐड कर लो और डिफरेंट साइंस को बाद में लास्ट में सब्ट्रैक्ट करो। अब यहाँ पर प्लस का 15 और प्लस का 8 ऐड होकर क्या बनेंगे, 23, और 23 से फिर माइनस करो 15। तो इसमें एक आसान तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, हमें नज़र आ रहा है प्लस का 15 और माइनस का 15 सेम है, तो पहले कैंसिल करो बाद में इसको सॉल्व करो, सेम जो हो रहे होते हैं ना उनको आप कैंसिल कर देते हो पहले, उसमें आप बॉर्ड मास का को फॉलो करने का नहीं करते, ठीक है। जो नज़र आ रहा है ना पहले कि यार एक प्लस का 15 है, एक माइनस का 15 है, जैसे प्लस का 4 हो, माइनस का 4 हो, कोई भी वैल्यू हो, तो जैसे सेम एक उसमें आया उनको कैंसिल कर दो, तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बचेगा बेटा, 8/10 को, क्या इसमें कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 4 8 और 2 5 10, तो हमारे पास 4/5 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, ठीक है, समझ आया। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले तो 2 1 2 2 ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 और 3 3, और फिर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 2 हो गया अपॉन 1 3 3 हो गया, तो 2/3 एक फ्रैक्शन बन गई। अब ये सिंप्लीफाइड हो चुकी है, तो हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, डिवाइड का सिंबल लगाते हैं, देखते हैं इस अगले ब्रैकेट में क्या सॉल्यूशन है भाई, 7 और 2 डिवाइड
डिनोमिनेटर है ऐड हो रहा है, तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे बेटा। तो 2 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, सेम टेबल में नहीं आने तो इन्हीं का प्रोडक्ट आ जाएगा, दैट इज 14। अब क्या होगा यहाँ पे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 7 7 प्लस 3 2 6, तो हमारे पास क्या बना बेटे, 2/3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6 कितना होता है, 13/14 हो गया। अब ये बताओ, ये डिवाइड सिंबल है, डिवाइड सिंबल को क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बनाते हैं ना बेटा। जी, तो डिवाइड सिंबल को जब मल्टीप्लाई बनाते हैं क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 13/14 क्या बन जाएगा, 14/13। अब देखें कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है ना, 2 और 13 कैंसिल होते हैं ना 3 और 14, तो क्या होगा, अब हमारा आंसर जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, यानी 2 14 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा बेटा, 28/3 13 39, एंड दैट्स इट। ये हमने एक और एग्जाम्पल,